हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, लास्ट वीडियो में हमने जो सीखा वो जो कोई स्ट्रेट लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, फिर दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल। अब फ्रेंड्स, हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स। देखिए, यहाँ पे कुछ बुक्स में क्या करते हैं कि पहले स्ट्रेट लाइंस को डिस्कस करते हैं, फिर प्लेन्स पे जाते हैं। लेकिन हम अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें तो पहले प्लेन अगर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर प्लेन के बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर मैं बोलूं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस डिजाइंड होते हैं आपके एग्जाम में, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बेटर यही होगा कि पहले प्लेन पढ़ें फिर स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें हो ही गया है कि डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज। तो अब प्लेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब आप अपना सिलेबस देखिए, प्लेन हो या स्ट्रेट लाइन हो, सीधे ब्रैकेट में करके लिखा है कि बोथ इन कार्डिजियन कोऑर्डिनेट्स एंड वेक्टर फॉर्म। तो आप देखिए, 11-12 में बिल्कुल आप पढ़ के आए हैं वेक्टर फॉर्म, बहुत मतलब ढंग से आप पढ़े हैं। कार्डिजियन भी आप इक्वेशंस स्ट्रेट लाइंस और प्लेन्स के पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे वही चीजें आपको रिपीट करनी है। हाँ, एक चीज है, 11th 12th लेवल पे कार्डिजियन फॉर्म में प्लेन्स और स्ट्रेट लाइन का उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला होगा आपके जो सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बीएससी में तो आपका कार्डिजियन फॉर्म से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे भी। तो प्लेन्स और स्ट्रेट लाइंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पे, कार्डिजियन फॉर्म में। हालांकि हमने 12 लेवल पे सीखा है कि अगर वेक्टर फॉर्म हम करते हैं, चाहे स्ट्रेट लाइंस हो या प्लेन्स हो, तो वहां से हम कार्डिजियन फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिकली डिराइव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस ज्यादा करना है किस पे, कार्डिजियन फॉर्म पे। लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट को याद करना, समझना, फार्मूले, तो ये ज्यादा फोकस आप वेक्टर फॉर्म पे करिएगा, क्योंकि वहां से इजिली आप जो है ना कार्डिजियन पे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन्स में भी वही है, वेक्टर फॉर्म और कार्डिजियन। जैसा कि मैंने बोला, वेक्टर फॉर्म ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 11th 12th में, कार्डिजियन फॉर्म पे थोड़ा सा आप स्ट्रगल करेंगे। तो हम सबसे पहले प्लेन में क्या करेंगे, प्लेन के जो इक्वेशंस है या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको हम जो है सीखेंगे सबसे पहले कार्डिजियन फॉर्म में। डेप्थ में जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और उसके बाद लास्ट में वेक्टर फॉर्म्स पे आएंगे। और जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म होता है, तो नॉर्मल फॉर्म में, कार्डिजियन फॉर्म में भी हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन के इक्वेशन को, और उसी तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में भी करेंगे। तो चीजें थोड़ी सा आसान हो जाती हैं अगर वेक्टर फॉर्म से आप लिंक करते हैं जो फार्मूले बोलिए या कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वहां पे थोड़ा इजीली विजुलाइज कर पाते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब आता हूं मैं सीधा सा डेफिनेशन, प्लेन क्या होता है, जो कि आप जानते हैं। तो प्लेन क्या होता है फ्रेंड्स, एक सरफेस है। जैसे आपका ये स्क्रीन अभी दिख रहा होगा बिल्कुल व्हाइट है ना, तो आप मान लीजिए, जैसे देखिए यहां पे जो कर्सर है उसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये कर्सर, अभी देखिए ये कर्सर कहां पे, यहां पे, ये मेरा ओरिजिन है। अब ये इधर मैं जा रहा हूं, देखिए ऐसे थोड़ा दिखा रहा हूं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर ये मेरा ओरिजिन है तो इधर कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसी तरीके से जेड एक्सिस की बात है, वो मे बी आपको दिखेगा नहीं, उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, चूंकि ये 2D है ना, तो आप जेड एक्सिस भी इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो अब यहां पे जैसे ये आपका पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना, तो आप ऐसे ही जूम कर सकते हैं कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। और आपको पता है 3D में एक्स वाई जेड एक्सिस, जैसे एक्स वाई एक्सिस लेते थे 2 डायमेंशन में, तो क्वाड्रेंट में डिवाइड करता था ना, 4 पार्ट्स में ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरीके से अगर आप 3D में आते हैं, एक्स वाई जेड अगर एक्सिस लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्टेंट बनता है, मतलब 8 पार्ट बनते हैं यहाँ पे, जैसे वहां क्वाड्रेंट बनते थे। तो यहाँ पे पॉजिटिव आपने एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस लिया, ठीक इस ओरिजिन के इधर जाएंगे जैसे इस डायरेक्शन में, तो निगेटिव एक्स एक्सिस, नीचे जाएंगे तो निगेटिव वाई एक्सिस, उस तरह से जेड एक्सिस, चूंकि विजुअलाइज नहीं है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्लेन क्या होता है, पहली चीज समझिए, जैसे ये अगर ये है तो प्लेन एक सरफेस होता है फ्रेंड्स, ना प्लेन क्या, एक सरफेस है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड में, मतलब एक 3 डायमेंशनल, ऐसे बोले ना,
अगर मैं बोलूं तो ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। तो प्लेन जो है एक सरफेस है, और जो डिफाइन करते हैं ना कि इस सरफेस पे कोई भी मैं दो पॉइंट लूं, कोई भी दो पॉइंट लूं, ऐसे कहीं पे भी कोई दो पॉइंट लीजिए, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, ऐसे इनको मिलाने वाली जो लाइंस वाइन होगी वो कंप्लीटली इसी सरफेस पे लाई करेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन। अब यहां पे कुछ चीजें विजुअलाइज करना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, अब यहां पे मैं आपको जस्ट खींच सकता हूं ऐसे, लेकिन आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज नहीं करवा सकता हूं, तो आप बिल्कुल देखें, मैं वीडियो पे आता हूं, वीडियो पे आता हूं और वहां से मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो 1 मिनट फ्रेंड्स, यहां पे मैं वीडियो पे आता हूं। अब चलिए वीडियो पे आ गए, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद मैं सामने सामने हूं आपके। यहां पे ये देखिए, मैं बोल रहा था ना, जैसे ये मेरा आपका कॉपी दिख रहा होगा ना, ऐसे देखिए ये, तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, अभी जो एक्सप्लेन कर रहा था। अब जैसे अगर आप एक्सिस की बात करते हैं, तो इधर देखें आप, यहां पे मान लीजिए, यहां पे मैं आता हूं, ये तो इधर मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। अब जेड एक्सिस किधर जाएगी, आप देखिए, ये देखिए, ये इसका थिकनेस जो दिख रहा होगा ना, ये ऐसे आप कंसिडर करेंगे तो जेड एक्सिस हो जाएगा। तो एनीवेज ये मेरा क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा क्या है, एक्स वाई प्लेन आपने कंसीडर किया। जो कुछ चीजें आपको समझना है, इसलिए मैं वीडियो से आपको सपोर्ट दे रहा हूं कि जब भी आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप इस वीडियो को आके वापस देखिएगा और विजुअलाइज करिएगा। 3 डायमेंशंस में आप जितना विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे, उतनी चीजें समझ में आएंगी। दो तीन चीजें हैं, जरा समझिए। अगर ये एक्स वाई प्लेन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन है। अब ऐसे मैं कर दूं तो ये प्लेन का सर, देखिए यही सरफेस है। अब यहां पे कोई भी दो पॉइंट्स आप लेंगे, देखिए कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, उनको मिलाएंगे तो कंप्लीटली लाइन जो है इसी पे लाई करेगी, ये मेरा प्लेन हो गया। अब अगर कभी आपके सामने आए कि प्लेन का नॉर्मल, और आप देखेंगे पूरा जब भी इक्वेशन आपके एग्जाम में आते हैं तो नॉर्मल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मेरा प्लेन है, देखिएगा ये प्लेन है। अब मैं इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना, ऐसे कर दिया, ये मेरा प्लेन है। इसका नॉर्मल मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये मेरा प्लेन है, ये देखिए, इसका नॉर्मल जब भी आए तो आप इमेजिन करिएगा ऐसे, मैं पेन के थ्रू आपको सपोर्ट दे रहा हूं, ये मेरा नॉर्मल है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा नॉर्मल ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। अगर ये सरफेस है तो ऊपर की तरफ देखिए, ये नॉर्मल, मैं बोलूंगा ये नॉर्मल है। तो जब भी नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि उस प्लेन पे ऐसे होगा, इमेजिन करिएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर ये स्पेस में ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी उसके कोसाइंस को ही हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस की हम बात करेंगे, ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट। अब जैसे देता है कि दो प्लेन्स लीजिए, एक प्लेन देखिए, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये दो प्लेन्स हो गए। अब जब बोलेगा कि दो प्लेन्स पैरेलल है, पैरेलल मतलब ध्यान दीजिएगा ऐसे, ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं, ठीक है। जब दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसका आउटवर्ड नॉर्मल मान लीजिए जो नीचे वाला है ऐसे आएगा, ये ध्यान जो समझिएगा, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे जाएगा, मतलब इसका नॉर्मल। और दूसरा जो प्लेन है उसका भी नॉर्मल क्या होगा, अगर मैं दिखाना चाहूं तो एक और पेन पकड़ना पड़ेगा, ये ऐसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है ना, ऐसे होगा। रेड वाला मान लीजिए जो आपको दिख रहा है नॉर्मल, वो क्या है, नीचे वाले प्लेन का, और ये वाला जो है ब्लू वाला ऊपर वाले प्लेन का नॉर्मल है। तो अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं, ऐसे देखिए, जब दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो उनके जो नॉर्मल्स है ना वो भी क्या हो रहे हैं फ्रेंड्स, पैरेलल हो रहे हैं, समझिएगा। अब दोनों प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसे देखिए, परपेंडिकुलर, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, अब देखिए ऐसे हो गया, यहां पे देखिए ऐसे, अगर दोनों नॉर्मल हैं तो ये बेटा एक मिनट इसको पकड़ो जरा, ऐसे दिखाओ, ऐसे बस पकड़े रहना, ठीक है, ऐसे पकड़े रहो, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो नीचे वाले का जो नॉर्मल होगा, मान लीजिए ये दोनों प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर हैं, तो ये ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और इसका नॉर्मल कैसे आएगा, आप ऐसे पकड़े रहना, पेन पकड़े रहो, ऐसे आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन्स, तो उनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये लॉजिक जो है
जो मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश किया कि जब भी न्यूमेरिकल्स आए और यही पे घुमाते हैं, जैसे क्या बोलता है, एक प्लेन दे देगा, ऐसे एक प्लेन दिया, बोलेगा इस प्लेन के जो नॉर्मल प्लेन होगा ना उसका इक्वेशन निकालो। तो क्या इसका मतलब हुआ कि इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा और अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर है ऐसे तो इसका ऐसे जाएगा, मतलब दोनों के जो नॉर्मल्स होंगे ना वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर मैं बोलता हूं कि दो प्लेन्स पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के जो नॉर्मल्स होंगे वो पैरेलल होंगे। दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के नॉर्मल्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मैं समझा पाया? तो पूरा न्यूमेरिकल्स की जो बात है आपको इमेजिन करना होता है, पूरा जब भी क्वेश्चंस पूछेगा आपको वहां पे इमेजिन करना है। तो किसी भी दो चीजें आपने सीखा, इसको ध्यान से रखिएगा। अगर एक प्लेन दिया है तो उसका नॉर्मल जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे वो स्ट्रेट लाइन होगा जो कि इस प्लेन से ऐसे 90 डिग्री पे होगा ना, ऐसे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर दो प्लेन्स दिए हैं और दोनों प्लेन्स अगर ऐसे पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे, और दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनके नॉर्मल्स के बीच का भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। इमेजिन करना है आपको, ठीक। अब इतनी चीजें मैं बेसिक बता दिया, तो अब मेरा जो है जो मोटिव है आपको एक्सप्लेन करने का, वो चीजें आपको अब समझ आप पा गए होंगे। अब चलिए थ्योरेटिकल चलते हैं। अब मैं चूंकि स्क्रीन शेयर करूंगा तो वहां पे मैं फिर बार बार विजुलाइज नहीं करवा पाऊंगा आपको, तो स्टार्टिंग में मैंने विजुलाइज करवा दिया। अब जब भी न्यूमेरिकल्स आएगा, आप इमेजिन कर लिए हैं, समझ गए, तब अच्छी बात है, नहीं तो वापस इस वीडियो पे आइएगा, बार बार आपको आना है और यहां से विजुलाइज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं सीधे प्लेन्स पे आता हूं, अब थ्योरी पोर्शन पे चलते हैं। और प्लेन्स को हम, यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सो प्लेन्स को अब हम प्लेन्स के इक्वेशंस पे फोकस करेंगे। और जो चीजें मैंने आपको बताया तो पहले मैं वहां पे आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो प्लेन अगर कोई पूछे, हालांकि डिफिनेशन तो आपसे नहीं पूछेगा कोई, बट मे बी कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी सेमेस्टर को बैलेंस करने के लिए एमसीक्यू भी एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पे अगर एमसीक्यू वगैरह हुआ तो मे बी डिफिनेशन तो नहीं पूछना चाहिए, बट पूछ सकता है। तो अभी मैंने क्या बताया, प्लेन क्या होता है, प्लेन एक सरफेस है, ठीक है ना, जिस सच दैट कि उसका कोई भी दो पॉइंट लो ना, उनको मिलाने वाली लाइन जो है ना, लाइन ज्वाइनिंग जो होगी वो उस कंप्लीटली उसी सरफेस पे लाई करेगी। तो क्या है, अ प्लेन इज अ सरफेस, मैं डिफाइन करूं, चलिए मैं लिखता हूं, अ प्लेन इज अ सरफेस such that the line joining any two points on the plane, any two points lies completely on that surface, ठीक। तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है, जैसे ये एक्स वाई प्लेन, आपको व्हाइट वाला पोर्शन अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, मिलाएंगे, तो उनको जो मिलाने वाली जो लाइन होगी ना वो कंप्लीटली जो है उस सरफेस पे लाई करती है, ठीक है। सो अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइज कंप्लीटली ऑन दैट सरफेस, ये डिफिनीशन हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस की बात करते हैं। तो इक्वेशंस की अगर मैं बात बोलूं तो प्लेन का सबसे जो बेसिक होता है, देखिए अब हम कर क्या रहे हैं, पहले हम प्लेन को करेंगे कार्डेशियन फॉर्म, मैं पहले ही बोला आपको कार्डेशियन, क्योंकि इस पे आपका कमांड नहीं है। 11 12th में जनरली वेक्टर फॉर्म पे ज्यादा हम फोकस करते हैं, तो हम कार्डेशियन फॉर्म पे फोकस करेंगे। तो कार्डेशियन फॉर्म में
जो सबसे आसान होता है ना कि एक्स वाई जेड में लीनियर मतलब फर्स्ट डिग्री का कोई भी लीनियर इक्वेशन आप लेते हैं ना तो वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं ना 2x इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल, तो ये मेरा क्या था, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है केवल x मतलब एक वेरिएबल में। उसी तरीके से जनरल में लिखूं ax प्लस by दिस इज इक्वल टू c, तो ये क्या है, एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन है। उसी तरीके से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड में लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो वेरिएबल्स है ना उनकी डिग्री क्या होती है, हमेशा वन होगी, यही ना, ऐसे समझिए। तो या मैं यूं बोलूं हर एक टर्म का डिग्री वन हो तो उसको लीनियर बोलते हैं। तो इस तरह का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस तरह का हो एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन, तो वो एक प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा इसको याद रखना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं द लीनियर इक्वेशन, द लीनियर लीनियर इक्वेशन, द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी दिस इज इक्वल टू जीरो, द लीनियर इक्वेशन दिस इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट्स 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 द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है ना। तो अगर आप एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन, ये तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको अगर प्लेन का इक्वेशन लिखना है ना तो कार्डिजियन फॉर्म में, तो ये कार्डिजियन फॉर्म में सबसे बेसिक प्लेन का इक्वेशन होता है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब जरा इमेजिन करिए, मान लीजिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है। ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अब मैंने जो प्लेन अभी जस्ट आपको विजुलाइज करवा रहा था, मान लीजिए ये मेरा प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लेन है, ठीक है ना। अब ये प्लेन है तो इसका जो नॉर्मल होगा, अब मैं नॉर्मल के लिए फ्रेंड्स ऐसे ही लिखूंगा, अब यहां पे ऐसे विजुलाइज करवा पाते हैं, मैं ऐसे ही विजुलाइज करवा पाऊंगा ना, क्यों क्यों, क्योंकि अब ये 2D के केस में, अब देखिए मान लीजिए ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल आपने देखा था ना ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ तो नहीं दिखा सकते, तो हम ऐसे दिखाएंगे। तो आपको यही इमेजिन करना है कि ये नॉर्मल है, इस प्लेन का जो प्लेन दिखा रहा था मैं आपको नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है और ये मेरा प्लेन है, ये मेरा क्या है, प्लेन है। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये जो प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब अगर ये प्लेन का इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट है ना, एक्स और वाई जेड का कोफिशियंट जो होता है ना, एक्स का कोफिशियंट क्या है ए, वाई का कोफिशियंट क्या है बी, और जेड का कोफिशियंट क्या है सी। तो ये ए बी सी जो है ना वो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं किसका, इस नॉर्मल का, मतलब प्लेन का जो नॉर्मल होगा ना उसकी डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई और जेड का कोफिशियंट उस इक्वेशन में ना, मतलब प्लेन का इक्वेशन अगर ये दिया हुआ है, तो ए बी सी ये क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करती हैं प्लेन के। तो यही मैं बोल रहा हूं कि इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी दिस इज इक्वल टू जीरो is the equation of plane then a b c represent the direction ratios, याद करिए important direction ratios of normal direction ratios of normal to the
प्लेन, ठीक है ना, याद करिए। सो यहां पे जो अगर प्लेन का इक्वेशन ये है तो एबीसी जो है ना, तो मतलब x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट और z का कोफिशियंट, ये डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट करती है नॉर्मल। नॉर्मल क्या था उस प्लेन का? एक स्ट्रेट लाइन, प्लीज बोलिएगा। तो यहां पे मैं फिर से विजुलाइज करवा दूं इसको, तो यहां पे जो मैं बोलने की बात करने कोशिश कर रहा हूं, ये अगर ये मेरा प्लेन है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये मेरा प्लेन है, तो जो मैंने आपको ये प्लेन दिखाया था इसका नॉर्मल ये है। अब इस प्लेन का, ये प्लेन जो है मेरा, ऐसे देखिए, ये प्लेन जो है, अगर इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो है, तो ए बी सी जो होंगे ना, ये नॉर्मल, ये वाला, ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज बताते हैं, ठीक है, ये समझिएगा। अब अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंडिंग प्लेन के इक्वेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उनपे बेस न्यूमेरिकल। ये बिल्कुल बेसिक था इसलिए मैं इसमें इतना ही छोड़ूंगा, आप विजुलाइज करें, प्लेन है ये, इसका नॉर्मल ये है। प्लेन हमेशा फर्स्ट डिग्री का लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, प्लेन के इक्वेशन को, और वहां पे ए बी सी जो होते हैं वो इस नॉर्मल, प्लेन का जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज को बताते हैं, क्लियर। तो ये जो बेसिक चीजें थी इनको आप प्लीज विजुलाइज करिए। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस को करने का मतलब क्या हुआ कि एक दो और फॉर्म्स हैं, जैसे किसी पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन उसको करेंगे, फिर नॉर्मल फॉर्म है, फिर आपको पता है जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म है प्लेन का, तो प्लेन के एक एक इक्वेशन जो टाइप्स हैं उनको करते जाएंगे, उन पे न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेन गेम जो होगा ना, जब क्वेश्चन दे, ये एक प्लेन दे दिया, अब पूछता क्या है, इसके पैरेलल कोई प्लेन का इक्वेशन। अब इस, ये जो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन, ये वाला इसका अगर इक्वेशन आपको निकालना है और ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला व्हाइट वाले का दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का अगर ये पैरेलल है दोनों, तो इन दोनों का जो नॉर्मल होगा ना वो पैरेलल होंगे, मतलब जो गिवन प्लेन है वहां से डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए और वही डायरेक्शन रेशियोज जो रिक्वायर्ड प्लेन है ना, रिक्वायर्ड मतलब जिसका निकालना है, उसी के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज सेम हो जाएंगी, समझ में आ गया। तो इस तरह से विजुलाइज करना है। अब मैं वीडियोज के थ्रू अब नहीं आऊंगा आपको, अब बस पेपर जो स्क्रीन शेयर करता हूं उसी से बताऊंगा, लेकिन जब जब मैं बोलूं आप इन्हीं चीजों को विजुलाइज करके लिंक करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।